हेलो दोस्तों, एक्सलेंस क्लासेस लोहारो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में पढ़ेंगे हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन तीन बार लागू हुआ अभी। कितनी बार लागू हुआ है? तीन बार भी, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन है वो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और यह संविधान के भाग 18 में है भाई। और संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियां हैं भाई। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, जो कि जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? जर्मनी के संविधान से ली गई हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। और संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 18 में है। और राष्ट्रपति शासन है वो कौन से अनुच्छेद में? 356 में है भी। और यह अनुच्छेद भी 352 से लेकर भी 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को क्या मिलता है? वर्णन मिलता है भाई। अब बात करते हैं भाई हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी। और राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब राज्य में क्या हो जाए भी, संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए, तब राष्ट्रपति के द्वारा भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है, जो राज्य की जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल के अधीन चली जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भाई। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? तीन बार लागू हुआ है। हरियाणा में पहली बार या प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पेपर में बार बार आता है, 21 नवंबर 1967 से, ऐसे याद रखेंगे भी इसको, 21, 22 और नीचे 23 पे महीना सीधा याद रखना भाई, मई, जून और जुलाई, मई, जून और जुलाई, 21, 22 नीचे लिखेंगे 23, मई, जून और जुलाई, और सीधा कर देंगे भाई 1968, 1973 और 1991 भी, ठीक है। इधर पूरा करेंगे तो 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 दूसरी बार। अगर बात करें तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार लागू हुआ था 21 नवंबर 1967 से 22 मई 1968। दूसरी बार लागू हुआ था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 भी। और तीसरी बार लागू हुआ 6 अप्रैल 1991 से लेकर भी 30 जुलाई 1991 भी। उसके बाद अब बात आती है, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखना भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? मुख्यमंत्री की भी। मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। और राज्यपाल था भाई बी एन चक्रवर्ती या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती था भाई। जब पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन था। मुख्यमंत्री कौन था? राव वीरेंद्र सिंह था। और राज्यपाल कौन था भाई? बी एन ए चक्रवर्ती था। अब बात करते हैं भाई, दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखना भाई, बी डी जती। मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता। और राज्यपाल था जय सुखलाल आथी था भाई। जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय कौन था? बी डी जती था। और
मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता था और राज्यपाल कौन था, जय सुखलाल हाथी था। भी अब बात करते हैं, अभी तीसरी बार जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसमें राष्ट्रपति कौन था, तो आर वेंकट रमन क्या था, राष्ट्रपति था। मुख्यमंत्री कौन था, ओम प्रकाश चौटाला। सबसे कम समय के लिए क्या रहा था, ये मुख्यमंत्री रहा था, या सबसे अधिक बार बनने वाला व्यक्ति है, कितनी बार बना था, 5 बार बना था, और सबसे कम 5 दिन। सबसे कम समय के लिए कितना दिन, 5 दिन, और कितनी बार बना, सबसे अधिक बार बना, कितनी बार बना था, 5 बार बना था भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी भाई, राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन था भाई, धनिक लाल मंडल क्या था, राज्यपाल था भाई। राज्यपाल कौन था, धनिक लाल मंडल था। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, 3 बार लागू हुआ था। पहली बार 21 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक रहा। इस समय राष्ट्रपति था जाकिर हुसैन, मुख्यमंत्री था राव वीरेंद्र सिंह, और राज्यपाल कौन था, बीएनए चक्रवर्ती था। दूसरी बार लागू हुआ 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977, और राष्ट्रपति कौन था भाई, बीडी जती था, और मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता, और राज्यपाल कौन था, जय सुखलाल हाथी था भाई। और तीसरी बार लागू हुआ था 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991। इस समय भाई राष्ट्रपति कौन था, आर वेंकटरमन था, और मुख्यमंत्री कौन था, ओम प्रकाश चौटाला था, राज्यपाल कौन था, धनिक लाल मंडल था भाई, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई, थैंक यू।